आज मैं लेके आई हूँ सिर्फ दूध, चीनी और सूजी से बनने वाली सूजी पिठा की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मैं कोई भी न्यू रेसिपी डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही आसान तरीके से सूजी पीठा। सूजी पीठा बनाने के लिए एक पैन ले लेंगे। इसमें हम डाल देंगे 1 कप सूजी। सूजी आप बारीक वाली ले और इसे हमें ड्राई रोस्ट ही करना है। यहाँ पे किसी तरह का घी तेल हमें नहीं यूज़ करना है। तो इसे कंटिन्यू चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे हम 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे, जिससे कि सूजी का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और सूजी जो है वो तले में चिपके नहीं और जले नहीं। तो इसका हमें कोई कलर नहीं चेंज करना है, इसलिए हमें इसे मीडियम फ्लेम पे भूनना है 3 से 4 मिनट तक। तीन से चार मिनट हो गए हैं सूजी को भूनते हुए, तो इसे निकाल लेना है। तो ये मैंने निकाल लिया। अब एक कढ़ाही ले लेंगे। इसके लिए हमें एक चाशनी तैयार करनी है। तो इसमें हम डाल देंगे 1.5 कप पानी। मेजरमेंट के लिए कोई भी कप या कटोरी सेट कर ले, उसी से सारी चीजों को मापे। ये 1/2 कप और डाल दिया मैंने। इसी में हम डाल देंगे 1 कप चीनी, साथ ही हम डाल देंगे थोड़े से इलायची। ये मैंने इलायची को क्रश करके और ले लिया है। अब इसमें डाल देते हैं थोड़े से केसर के लच्छे, 10 से 12 केसर के लच्छे डाल देने हैं हमें यहाँ पे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमें चाशनी को तब तक पकाना है जब तक कि बस चीनी जो है अच्छे से इसमें घुल ना जाए। तो इसे अच्छे से मिक्स करते हुए पका ले चीनी को, इसमें जो चीनी घुल जाए। चीनी जो है वो घुल गई है इसमें। अब हम इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट पका लेंगे, जिससे कि चाशनी जो है हल्की सी चिपचिपी सी हो जाए। बस उतनी देर हमें इसे पकाना है। 1 मिनट हो गया इसे पकाते हुए, चाशनी जो है हल्की सी चिपचिपी हो गई है। तो अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और चाशनी को साइड कर लेते हैं। अब एक दूसरा पैन ले लेंगे। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, जिससे कि हम इसमें दूध डालेंगे तो दूध जो है वो तले में चिपकेगा नहीं। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 कप दूध। ये दूसरा कप दूध डाल दिया। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 4 चम्मच चीनी। अब गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं और इसी में हम डाल देंगे 1 चम्मच घी। बस यहाँ पे ज्यादा घी की जरूरत नहीं है हमें, बस 1 चम्मच डालना है। अब दूध को उबल जाने देते हैं। तो इसे चलाते हुए दूध को उबाल लें, जिससे कि चीनी भी अच्छे से घुल जाए। दूध जो है वो उबलने लगा है, तो 1 से 2 मिनट से अच्छे से खौला लेते हैं, जिससे कि दूध का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। दो मिनट हो गए हैं दूध को उबालते हुए। अब हमने जो सूजी को भून के रखा था उसे हम इसमें डाल देंगे। तो गैस को यहाँ पे मीडियम कर ले और सूजी को डाल के अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएं इसमें। इससे क्या होगा कि सूजी जो है भुना हुआ होने के कारण सूजी में गुठलियां नहीं बनेगी और सूजी का कच्चा कच्चा सा टेस्ट भी नहीं आएगा आपको इस मिठाई में। तो इसे कंटिन्यू चलाते हुए मिक्स कर लेना है जब तक कि सूजी जो है वो गाढ़ा ना हो जाए, यानी कि दूध सारा जो है सूजी में एब्जॉर्ब ना हो जाए। दूध जो है सूजी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया और सूजी जो है वो अब सिमटने लगे। तो अब यहाँ पे हम गैस को बंद कर देते हैं और सूजी को एक बर्तन में निकाल लेंगे, जिससे कि ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इस थाली में सूजी को निकाल लिया। अब इसे ऐसे फैला देते हैं जिससे कि सूजी जो है वो ठंडा हो जाए। एकदम बहुत ठंडा भी नहीं करना और बहुत गर्म भी नहीं, इतना गर्म होना चाहिए जिससे कि अगर हम इसे हाथों से मले तो हमारा हाथ जो है वो जले नहीं। तो थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें। सूजी जो है ठंडा हो गया हाथ से छूने लायक, तो हम हाथों पर घी लगा लेंगे और इसे अच्छे से मस लेंगे, जिस इसका एक सॉफ्ट डो हमें तैयार करना है। तो अच्छे से इसे तलहत्ती से इस तरह से इसे मलते चले जाना है।
ऐसे करके। ये मैंने सूजी को अच्छे से मसल लिया। चेक करने के लिए एक छोटी सी लोई ले लेंगे और उसे हाथों पे इस तरह से बना के देखेंगे। अगर ये इसमें क्रैक्स नहीं है, यानी कि ये हमारा सूजी अच्छे से इसका डो तैयार हो गया है, तो इसे एक साइड कर लेते हैं। अब इसमें से छोटी छोटी लोई ले लेंगे। ये देखिए सॉफ्ट डो तैयार हो गया हमारा। अब छोटी छोटी हम लोई ले लेंगे, जितनी बड़ी हमें पीठा बनाना है उतना बड़ा हम लोई ले लेंगे और इसे खूब हाथों से दबा दबा के और अच्छे से इसका गोल शेप बना लेंगे। ये देखिए इसमें कोई क्रैक्स नहीं है। इसी तरह हमें सारे लड्डू की तरह शेप दे लेने हैं सूजी को। ऐसे ही बना लेते हैं हम सारे लड्डू को। ये मैंने सारे लड्डू बना लिए सूजी के। अब चाशनी ठंडी हो गई होगी, चाशनी को एक बार फिर से गर्म कर लेते हैं। चाशनी जो है वह गर्म हो गई है। अब हम इसमें जो हमने सूजी का पीठा बना के रखा है गोल गोल, उसे हम डाल देंगे। तीन से चार मिनट तक इसे हम चाशनी में ही सूजी को पकाएंगे। चार मिनट से ज्यादा नहीं पकाना है क्योंकि चाशनी जो है बहुत ज्यादा चिपचिपी और गाढ़ी हो जाएगी। फिर जब वो ठंडा होगा तब कड़ा कड़ा सा सूखने लगेगा चाशनी, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। 3 से 4 मिनट तक इसे हमें पकाना है चाशनी में, उलट पलट करते हुए ऐसे करके आप इसे पका लें। थोड़ी थोड़ी देर पे इसे उलट पलट कर दें, जिससे कि हर तरफ से इसमें अंदर की तरफ चाशनी जो है वो चली जाए। से 4 मिनट हो गए इसे पकाते हुए, यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा होने देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तब आप ये सूजी पिठा जो है वो सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो जब भी कभी कुछ मीठा खाने का मन करे और बहुत जल्दी में हो, सामान कम हो, तो आप बहुत आसानी से इसे बना के खा सकते हैं। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट जरूर करें।